हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम राइडिंग पे जाने वाले हैं, बाहर बाइक राइडिंग पे, जहाँ पे हम देखेंगे वहाँ का नेचर कैसा है, उधर पहाड़ियों पे वगैरह। तो चलते हैं। ये जगह इसलिए यादगार बन चुके हैं क्योंकि 1 मई 2019 को यहाँ पे नक्सलवादियों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। ये देखिए, ये वही जगह है। और उस बॉम्ब ब्लास्ट में हमारे 15 जवान शहीद हुए थे और साथ में एक ड्राइवर भी। ये देखिए, इस जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। किरने तक पाई बनकर का है ना, उतना बोलना था तो बनकर तक फोटो शूट हो चुकी है। और कोई लोकेशन नहीं क्या तेरे पास? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वो और लोकेशन बोल रहा है, पता नहीं अब कहाँ तक लेके जाएगा। इधर ज़्यादा आता नहीं यार, तेरे को बताऊँगी ये ना बहुत ज़्यादा फोटो शूट करता है। इसका अकाउंट देख लो, नहीं दूंगा तेरे लिए, टेंशन मत। ये देखो, ये ना क्या फोटोशूट के लिए बहुत अच्छा सीन है ब्रो, आना कभी इधर। पीछे पहाड़, खेत, खेतीली। रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे, आवाज काट छिल में मजा सांगत यहां पे बहुत ये गड्ढे हैं। पता नहीं अब रास्ता पूरा खराब है, इधर का कहां से जाएंगे। तो बहुत ही झटके लग रहे हैं। अरे भाई जी, अब आया नहीं आया, अब आया उठाड़, उससे भी खराब है। ये देखो समोरून चांगला आहे रोड, इकडूनच खांगारला आहे फक्त। काय आवाज काढशील म्हणलं। ये रहा पलसगड का छोटा सा तालाब, एक और आहे उधर, उधर जाने वाले थोड़ी देर बाद। फिलहाल ये देख लेते हैं। और ये अपना दूसरा तालाब, हम आ चुके दूसरे तालाब पे भी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ऑसम। उधर पहाड़, इधर तालाब, यही भी अच्छा चाहिए। आगे चल के देखते।
आज से भी अच्छा भाई। देखो ये पूरे पहाड़ से घिरा हुआ है, ये तालाब तीनों साइड से इसको पहाड़ों ने घिरा चुका है। ये रहा व्यू, काफ़ी अच्छा सीन है ब्रो यहाँ पे। इन खेतों का भी व्यू देख लो ब्रो, कितना ऑसम है। नारियल अभी लगी नहीं यार। ये मेरा दोस्त चढ़ सकता है ऊपर, इसको चढ़ाऊंगा। ये देख लो ब्रो बनियान ट्री, अच्छा ये काफ़ी व्यू। वाह बहुत सही है यार, पहली बार आई इधर। सो गाइज थोड़ी देर पहले हम घर आ चुके हैं, फ्रेश होके खाना खा के गार्डन में बैठा हुआ अभी। ये बहुत फ्रेश लग रहा है, इतने दिनों बाद में घूमने के लिए गया था। बस आज के लिए इतना ही, जाने से पहले ये कुछ फोटो हमने फोटोशूट किए थे, कुछ देख लीजिए और बाय।